मैं कसाई वाले शो। हेलो एवरीवन, गेट रेडी। ओ ये तो लोग तो रेडी। हाशिम, आर यू गोइंग टू वेयर दिस एंड योर पॉप्स? हुसैन जाओ ऊपर, दोनों देख के आओ, इंतजाम मुकम्मल है बारबेक्यू का। आप और हुसैन देखिए, जाओ ऊपर देखो, जाए इसको ऊपर लेके जाओ, बारबेक्यू देखे हुसैन। बोले तो डालो ना यार जाके, ऐसा बोले ना। आप लाइव हैं यूट्यूब पे, आज रात तक ये व्लॉग डल जाएगा कसम से, मैं झूठ नहीं कह रही। उठ के कपड़े बदले, अच्छा बारबेक्यू पार्टी दुबई में ऐसे ही होता है। ऐसे कपड़े पहन के दुबई में, मैं और आप दुबई में बैठे हैं। अच्छा चलो फिर, हाशी अच्छे से कपड़े पहनो। नो ये कपड़े नहीं पहने, अच्छे से मम्मा पसीना ही आना है और क्या है। तो जी यहाँ हुसैन फुल फॉर्म में थे, और जो हुसैन का मुकाबला है वो माशाल्लाह बड़े भाई भी नहीं कर सकते। हुसैन मेरा बेटा बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है, और इसको डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब में हैं। बट कभी कभार जब भाई इनके साथ बहुत ही जॉली हो जाते हैं तो ये इनका हाथ चल जाता है, और ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों की नेचर डिफरेंट होती है तो उसमें आप ज़बरदस्ती जोर नहीं कर सकते। हुसैन को मैं कैसे डील कर रही हूँ और हाइपर एक्टिव बच्चों को कैसे डील करते हैं, इसका अलग से व्लॉग बनाऊँगी, और बहुत ज़रूरी है ये। तो जी मेरे हस्बैंड ऊपर चले गए थे कोयलों के लिए हेल्पर बॉयज़ के साथ, उन्होंने सारा वो सेटअप कर लिया था, और नीचे मैं और बेटी तैयार हो चुके थे और एक दूसरे की पिक्चर्स बना के हम लोग ऊपर जाने के लिए रेडी थे। मेरे माशाल्लाह तीनों बेटे ऊपर थे, लेकिन एक बेटा सो रहा था जिसके पास उसकी बेबी सिटर थी, लेकिन अभी मैं ऊपर जाऊँगी तो उसको सोने का पूरा प्रॉपर इंतज़ाम मैं करूँगी। क्या बात है?
मैंने बेबी के लिए बीन बैग ऊपर मंगवा लिया था और ये वाटर एयर कूलर है, सॉरी वाटर कूलर नहीं, एयर कूलर है जो हमने टेरेस के लिए ही रखा हुआ है और रूफ टॉप के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बच्चे पंखा पसंद नहीं करते और मेरे बच्चे छोटे हैं तो पंखे में हाथ देने का ख़तरा है, इसलिए मैंने बड़ी सेफ साइड पे ये एयर कूलर रखा हुआ है फॉर रूफ टॉप। ये जी मेरे ऊपर का सेक्शन है लेकिन अभी थोड़ा मैसी हो रहा था ईद की वजह से। तो यहाँ पर बारबेक्यू तैयार होना शुरू हो गया था, हमारे जो हमारा स्टाफ है वो इधर लगा हुआ था, माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है मेरा स्टाफ, बहुत अच्छे लोग हैं सभी और बहुत ख्याल करते हैं हमारा, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड सो डज अस, हम भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उतना ही हम उनका एहतराम और उनका उतना ही ख्याल भी रख रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में जिस चीज़ का मेजर ख्याल रखा जाता है वो रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये लोग अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ हमारे पास रह रहे होते हैं तो इनको एज अ फैमिली मेंबर डील करना और उनको बड़े अच्छे और अच्छे तरीके से रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। यहाँ पर मैं हस्बैंड को कह रही थी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में कि प्लीज़ आप कपड़े बदल लें, प्लीज़ आप उठें कपड़े बदल लें, वाइब्रेशन में वाइब्रेशन में कह रही थी, वो वाइब्रेट ही करते हैं ना मेरा ख्याल है उसको, जो आवाज़ विस्पर, सॉरी 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 विस्पर कह रही थी मैं आहिस्ता आहिस्ता, इकराम कपड़े बदल लें, इकराम कपड़े बदल लें। आई डोंट लाइक कि हमारे घर पे कुछ ऐसा थोड़ा सा छोटी सी पार्टी हम बच्चों के साथ कर रहे हैं तो हमें उसमें अपडेटेड ही रहना चाहिए। वो बैक साइड पे पूल पड़ा है और मैं अम्मी को बता रही थी कि रूफ टॉप के लिए मेरा एक अलग प्लान है, इंशाल्लाह जल्दी वो भी मैं कवर अप करूँगी। प्लीज़ कपड़े बदलें। नहीं ये नहीं है, हाँ जी हमें कोल्ड ड्रिंक्स के लिए चाहिए बर्फ भाई, नीचे है फुल है, दिखा एक सेकंड तो दिखा, ये मिनरल, ये मेरे मिनरल वाटर वाली जो मैं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, नहीं कूलर में नहीं आएगी तो ब्राइट करें, ब्राइट करें से मम्मा ब्राइट हो गया, अम्मी कहे मजेदार, कहे मजेदार और आप उल्टी बन रही है वीडियो, वाओ नाइस। गुड पॉइंट, दिखा रही है हुसैन वहां पर करंट है, तसीर दिखा रही है वस्तु तारक जो बीप ना है अपने लोग आपने अच्छा पानी पीना, अब आपने हिलना नहीं है इधर से, उतरना नहीं है, देखो हानि आराम ठीक है, अब अगर आप हिले ना तो देखना आराम से बैठ जाओ,
हुसैन छोटा था ना अब्बा, तो हम इसको ऐसे अपने पास लेटा लेते होते थे, जिधर बैठते थे ना उधर इसको ऐसे कर लेते थे। चॉप्स लगवाएंगे ठीक है, आप खाए मामा का शहजादा। चल मैं क्या चाहिए, मैं नीचे नहीं जाऊँ। हुसैन तुम्हारा हाथ आना बड़ी बुरी तरह, को क्यों खोल रहे हो? मेरे चावल मम्मा, मैंने राइस बनवाए। कौन से? सादे। कौन से सादे चावल? राइस, ब्राउन राइस। उनके अंदर क्या? उनके अंदर प्याज है, लहसुन अदरक का तड़का। प्याज तो डालो, ये साइड पे बड़ा बैठा बैठा मुझे नई नई गाड़ियां दिखा रहा था, और मैं भी उनके उन दिल रखने के लिए देखती रहती होती हूँ। तो इसके अलावा ये कि बड़ा कोलैप्स हो गया, वाइट राइस बना दिए थे कुक ने, हालांकि मैंने ब्राउन राइस कहे थे प्याज वाले और प्याज के तड़के वाले जैसे सेवर के होते हैं, लेकिन बस थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गया तो उसने वाइट राइस बना दिया, और फिर हमने सेवर मंगवा कर खाया 11:30 बजे रात को। तो लेकिन इट वाज ऑल अ यम्मी डिलीशियस डिलाइटफुल इवेंट, बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत करम है। इकराम धुआं चक्कर में आपके सोलर को तो नहीं मसला हो जाएगा? मुझे हुआ कि ये अब बैगे मेरे से काटे नहीं जा रहे, और मैंने सुबह 8 बजे का शाम 5 बजे तक सिर्फ 6 फिट मारे, और मतलब कि धागे काटने से उंगलियां भी कटी नहीं। अभी मुझे सुबह से लेकर शाम तक पर डे आपको 6 रुपये दिहाड़ी मिली। तो जी, जब हम सेवर का इंतज़ार कर रहे थे लाउंज में बैठ के, तो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग उज़्मा का व्लॉग लगाया। मेरे हस्बैंड मोस्टली मोबाइल पे होते हैं, और आजकल उनका फेवरेट काम है डाइजेस्ट, इमरान सीरीज़ की डाइजेस्ट। तो जी, ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा का व्लॉग लगाया, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खातून है, अल्लाह का इन पे करम है, अल्लाह ने इनकी मेहनतों का सिला इनको वापस किया है, और यकीन माने कि जो भी मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका सिला ज़रूर देते हैं। एक शर्त जो ज़रूरी है ना मेहनत में, वो सब्र है। सब्र से आप चलेंगे तो सब आपके हक में है। मैं कहती हूँ कायनात की सारी चीज़ें आपको फेवर करनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखें, एक तो सब्र करें, और एक अल्लाह के रास्ते से बागी ना हो। बस ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो ये जी जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा खातून है, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑन यूट्यूब, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, माशाल्लाह बहुत अच्छी औरत है। इसने कैसे अपना मुश्किल वक्त गुजारा है, ये मैं अक्सर इसके व्लॉग्स देखती हूँ, सुनती रहती हूँ। और ऑल्दो ये है कि बहुत से कठिन रास्ते आते हैं ज़िंदगी में, मैं भी कभी आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। बहुत बहुत मुश्किल रास्ते देखे हैं, बहुत बहुत मुश्किलात देखी हैं। जब मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी ना, तो आप ये समझे कि रुला देने वाली स्टोरी है, लेकिन अब अल्लाह का करम है, अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है मुझ पे कि मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने मेरी हर तरह की दुआ कबूल की है, अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे बाइज़्ज़त रखा, और अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे मेरे सब्र का वापस बदला ज़रूर दिया है। तो जी, इसी के साथ एंड करूँगी व्लॉग। ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा देखते हुए मैंने एक पिक्चर ली थी अपने इयर रिंग्स की, जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए दुबई से लेके आए थे रिसेंट विज़िट पे। सी द इयर रिंग्स।